हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। एक्सचेंज जर्नी ने अपनी न्यू रिक्रूटमेंट वैकेंसी लॉन्च कर दी है। खास बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको सैलरी पर मंथ 40,000 तक मिलने वाली है। मीन्स आप पर मंथ 40,000 से ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। खास बात ये है फ्रेंड्स कि आपको मंथली यहाँ पे 40,000 तक सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे आईटी एंड नॉन आईटी दोनों के लिए वैकेंसी आउट हुई है। अप्लाई करना चाहते हो फ्रेंड्स तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सचेंज जर्नी कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी लॉन्च की है, क्या क्या क्राइटेरिया है, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो वीडियो का हर पार्ट फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंस होने वाला है। न्यू आए हो, ऑनेस्टली जॉब करना चाहते हो, अपना एक अच्छा सा फ्यूचर बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक ही फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करती है इस टाइप के वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सर से यहाँ पे अप्लाई करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सचेंज अर्न की ओर से ये वैकेंसी आउट हुई है। हम जिस वेबसाइट में देख रहे हैं वो एक्सचेंज अर्न की जेन्युइन वेबसाइट है। मीन्स ये कोई फ्रॉड जॉब नहीं है, लीगल एंड राइट जॉब है। यहाँ पे फर्स्ट जो वैकेंसी आउट हुई है वो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस रिलेटेड वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पे 0 to 11 month के एक्सपीरियंस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी स्कोप के बारे में हम बात कर ले तो आपको यहाँ पे 3,44,200 तक आपको यहाँ पे पैकेज कंपनी दे रही है। ये जो वैकेंसी आउट हुई है फ्रेंड्स, आपको अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कौन कौन से स्टेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी लॉन्च हुई है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो अभी मेंशन नहीं हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अबाउट एक्सचेंज रिलेटेड अपडेट कर सकते हो कि ये इंटरनेशनल कंपनी है, टोटल 120 कंट्रीज में इसकी ब्रांच है। यहाँ पे 7 lakh से अबोव तो पर्सन काम कर रहे हैं इस कंपनी में। यहाँ पे ये जो वैकेंसी आउट हुई है वो है कि सिस्टम एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ उसके रिलेटेड डिटेल्स है कि आपको वर्क में क्या करना है, तो वो पूरा एक बार आपको रीड कर लेना है। अब कौन से पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएमएस किया हो, डजंट मैटर, लेकिन आपका बैचलर कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे एक रूल्स है कि एक रिस्ट्रिक्शंस है कि वो जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनका ग्रेजुएशन 2023 इन 2024 में पास आउट होना चाहिए। मीन्स गैपिंग, जो एजुकेशन का गैपिंग होता है वो पर्सन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशन नॉट कंसिडर, क्योंकि ये वैकेंसी फुल टाइम के लिए ही लॉन्च हुई है। तो आपको यहाँ पे अगर एजुकेशन में डिस्टेंस है और पार्ट टाइम जॉब फाइंड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मीन्स ये जॉब आपके लिए नहीं है। यहाँ पे आपका सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आप अप्लाई करते हो फ्रेंड्स तो आपको मंथली 30,000 तक सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की प्रोसेस आपको एक बार चेक कर लेनी है। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो किस तरह से होगा उसके बारे में भी हम डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ प्रोसेस के बारे में हम बात कर ले तो पहले आपको यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको पहले फॉर्म फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे मेंशन है इफ यू आर एलिजिबल की आपकी जो डिटेल्स है वो चेक होगी, तो आपको एक ईमेल आएगा इनविटेशन रिलेटेड, मींस ऑनलाइन असेसमेंट रिलेटेड आपको एक मेल आएगा, वो मेल आपको एक्सेप्ट कर देना है। द असेसमेंट इज शेड्यूल इन टू स्टेज, द मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल टाइम। आपको जो शेड्यूल टाइम दिया गया होगा उस टाइम में आपको वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट करना है। मॉक असेसमेंट होगा वो होगा 10 मिनट्स का, एंड जो रिटन असेसमेंट होगा वो होगा 15 मिनट्स का। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या आएगा, तो इंग्लिश एबिलिटी आएगा, मीन्स आपका इंग्लिश चेक होगा किस तरह से होता है। अब जो आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो किस तरह से आप सॉल्व करते हो, लिखते हो, उस टाइप का यहाँ पे आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
यहाँ पे कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट के आपको यहाँ पे टीम के साथ भी बातचीत करके आपका यहाँ पे एक टेस्ट होगा, एंड देन आपका इंटरव्यू कंफर्म होगा, एंड देन आप यहाँ पे इलिजिबल हो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो ये जो सारे क्राइटेरिया है इंटरव्यू रिलेटेड, वो एक बार प्रॉपरली आपको चेक कर लेना है, उसकी प्रिपेरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है अगर आपको एक्सचेंज में जॉब करनी है तो। उसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन है, नॉलेज नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके रिलेटेड हेल्पफुल आपके वीडियोस भी बनाए हैं, तो वो जाके भी आप चेक कर सकते हो, इन डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इन अनदर जो वैकेंसी आउट हुई है वो है पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट के रिलेटेड, यहाँ पे भी फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे सैलरी पैकेज के बारे में हम बात कर ले तो 460,700 यहाँ पे पैकेज है। लास्ट कोई डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन एज सून एज आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर एनालिसिस रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप यहाँ पे इलिजिबल हो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। और एक खास बात ये है कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी आउट हुई है वो फुल टाइम के लिए ही आउट हुई है, तो पार्ट टाइम वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और MBA PG DBM कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रोल। यहाँ पे आपका कंप्यूटर रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पे क्लिक करते हो फ्रेंड्स, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और आई डोंट हैव अकाउंट आप उसमें से चूज कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिफिल अप करना है। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे राइट चूज कर लेना है कि नेम किस तरह से ऐड करना है। तो फर्स्ट नेम में आपको जॉन इस तरह से लिखना है, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखना है। मिडल नेम में भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखना है, लास्ट नेम में भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल ही रखना है। और जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो अटैच करो वो इस तरह से दिखता हुआ होना चाहिए। इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने हैं लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोस्ट ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, तो उसमें आपको इस तरह की कॉपी ही अटैच करनी है, इस टाइप की नहीं चलेगी, या फिर इस टाइप की कॉपी भी आप अटैच नहीं कर सकते और इस टाइप भी नहीं कर सकते। और आपको यहाँ पे इस कैप्चा पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सोर्स डिटेल में कहाँ से आपने इस जॉब के लिए सुना सिंपली वो सिलेक्ट करना है, इन कौन से बोर्ड के लिए सुना वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना फर्स्ट नेम ऐड कर देना है, जो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग हो वही लीगल एंड राइट नेम ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। कोई डमी कंटेंट नहीं डालना है, अगर जेन्युइन आपको जॉब मिलनी चाहे ऐसा आप इच्छते हो तो आपको यहाँ पे राइट डिटेल्स ही फिल करनी है। मिडल नेम अपना ऐड कर देना है, लास्ट नेम ऐड कर देना है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है। ईमेल आईडी अपना ऐड कर देना है, कॉन्टेक्ट नंबर अपना फिल करना है, व्हाट्सएप कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे ये व्हाट्सएप कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है कि अगर आपको इसको यस आई कंसेंट पे क्लिक कर दे हो तो कभी कभार आपको एक्सचेंज की ओर से मेल आएगा, मैसेज आएगा, वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएगा अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड, तो उसको सिंपली आपको यहाँ पे यस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, डजंट मैटर। तो यहाँ पे सिंपली ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो देना है, अदरवाइज उसको स्किप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी देनी है, देन आपको यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी स्टेट एंड सिटी से अभी रह रहे हो सिंपली वो सिलेक्ट कर लेना है, आपका करंट एड्रेस क्या है वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपरली और जो राइट है वही फिल करनी है, और परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पे अपना ऐड करना है। देन एजुकेशन में आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन ऐड कर देना है, प्रोफेशनल डिटेल्स में आपको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स ऐड करनी है, वर्क एक्सपीरियंस में कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी से है, कौन से ईयर में पास आउट किया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है। स्किल डिटेल में आपको कौन कौन सी स्किल रिलेटेड नॉलेज है वो ऐड करना है। सर्टिफिकेशन डिटेल्स में आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन है तो सिंपली कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है लैंग्वेज अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मैंडेटरी नहीं है, स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन में आपने कौन सी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उसकी लैंग्वेज रिलेटेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड देन प्रीफर्ड जॉब लोकेशन में आपको अपने 3 जॉब लोकेशन चूज कर लेने हैं, आपको अपने नियर अबाउट ही लोकेशन चूज करने हैं। इन अदर डिटेल्स में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लाइक डिड यू कंप्लीट योर रिलेवेंट डिग्री विद इन
स्टिप्यूलेटेड ड्यूरेशन फॉर द डिग्री, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है प्रॉपरली सिंपली यस नो में, यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए गए हो, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने हैं। स्टैंडिंग बैकलॉग, अगर बैकलॉग है तो सिंपली यस नो में आंसर देना है, नहीं है तो नो देना है। हैव यू वर्क इन एक्सचेंज, पहले वर्क किया है तो यस नो में देना है, किया है तो इम्प्लॉय आईडी एड करना है। और आप कितने टाइम में यहाँ पे रेडी होंगे इंटरव्यू के लिए, सिंपली वो टाइम ड्यूरेशन एड करना है। नेशनलिटी आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। एग्जामिनेशन, आपने कौन से ईयर में अपनी एग्जाम फाइनल दी थी वो सिलेक्ट करना है। एंड देन आपको अपना सीवी सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो सिलेक्ट करके आपको सिंपल यहाँ पे डिजिबिलिटी सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे आई अग्री करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये सारे प्रोसेस को आपको आई अग्री कर देना है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहते हो तो एक बार पहले रीड कर सकते हो, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अप्लाई कीजिएगा, आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई होगी। कंपनी की ओर से आपको रिटर्न मेल आता है, दैट मींस आपको असेसमेंट टेस्ट रिलेटेड मेल आया है, तो उस मेल के अकॉर्डिंग आपको असेसमेंट टेस्ट देना है। देन आपके कुछ क्वेश्चंस के रिलेटेड एग्जाम होगी, वो फिलअप करनी है। देन आपका शॉर्ट इंटरव्यू फिक्स होगा, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली एक्सटेंजर में आपको जॉब लगने वाली है। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, आपको यहाँ पे एनवायरमेंट भी अच्छा मिलने वाला है, सैलरी स्कोप भी अच्छा मिलने वाला है, साथ में आपका करियर ग्रोथ भी बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अप्लाई कीजिएगा। और आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।